जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने देखा था, मतलब अभी भी हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टीज़ को ही ध्यान दे रहे हैं। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टीज बताई गई थी उतना कल की क्लास में कौन नहीं था, नया कौन आया, तुम लोग थे, ध्यान देना, ठीक है। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एडजॉइंट। फिर हम लोग अभी देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। चाहे तो हम लोग अभी देख सकते हैं क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। फिर एडजॉइंट जब देखेंगे तो ए इनवर्स निकालना, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन फिजिबल होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर हम लोग देखेंगे आइगन वैल्यूज, इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक रूट्स, और लास्ट में हम लोग आइगन वेक्टर्स, ठीक। इतने टॉपिक्स हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे, उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट्स भी कवर करेंगे। पर डिटर्मिनेंट्स को प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट्स ज़्यादा दिए जाएंगे और यहाँ पर बहुत कम, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स प्रैक्टिस पे जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, टू लेक्चर्स में हम लोग इसको या तीन लेक्चर में ओवर करेंगे, ठीक। आप पहले असाइनमेंट्स करते जाइए। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। जितने भी अभी टॉपिक बचे हुए हैं सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, हर सेक्शन से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, मतलब हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक। तो ज़रूर करेंगे इसको हम लोग। अब बताया गया था कि कोई मैट्रिक्स अगर ए इक्वल टू ए आई जे लिया गया, मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए आई जे मतलब एक मैट्रिक्स आपने कंसीडर कर ली, मैट्रिक्स मतलब एक अरेंजमेंट, उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है, एन ऑर्डर की है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने सी आई जे यानी को फैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो ये क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स के को फैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखी थी, वो प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी होगी कि ए आई जे और सी आई जे बराबर मॉड ऑफ ए होता है, ए आई जे सी आर जे आई नॉट इक्वल्स टू आर ज़ीरो होता है। अब इसको हम रो के अलांग और इसको कॉलम के अलांग एक्सटेंड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को आपको पीछे डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक। हमने कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे भी देखी थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर प्रूव किया था एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए आई एन, ठीक। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने इसको प्रूव किया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने प्रूव किया कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ले लें, दैट इज या और, मॉड का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिख रहा है सबको कि नहीं, बोलिए, ले लें। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू की पावर ऑर्डर माइनस वन, ऑर्डर माइनस ऑर्डर एन मान रहे हैं जो भी माने, तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ एन क्या है, ऑर्डर है। इतनी चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, अप्रूविंग के साथ देख चुके हैं। यहाँ पर कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप पीछे वाले लेक्चर्स को आप पहले ध्यान दीजिए और उसको देखिए, यहाँ से फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी से प्रॉपर्टीज सारी ड्राइविंग, इसीलिए बोले कि सबसे ज़्यादा फोकस हमने उस पर किया था, ठीक है। उस चीज़ से यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है, ठीक।
देखिए हमने क्या सीखा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ए इंटू आई एन। अगर बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी करें बताइए क्या होगा, बोलो यार, मॉड ऑफ बी इंटू आई एन। अगर बी के लिए प्रॉपर्टी लगाएं तो बी पे अप्लाई होगी, सी के लिए लगाएं तो सी। तो जो भी मैट्रिक्स यहाँ रखेंगे उसी की डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू आई एन होगा कि नहीं। अगर सी रखी तो क्या होगी, तो अब अगर हम क्या करें, ए बी रख दें, क्या रख दें, ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बी का, बी रखने पर बी का हुआ, ए रखने पर ए का हुआ, तो ए बी रखने पर ए बी का मॉड और इंटू आई एन, बोलिए होगा कि नहीं। अभी हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को जनरलाइज किया है, मतलब इन प्लेस ऑफ ए यू कैन रिप्लेस विद बी और आल्सो रिप्लेस विद ए बी, ठीक। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कल हमने डिस्कस भी किया था, क्या बताया गया था, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कंसीडर में रखेंगे कि ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट मॉड ऑफ ए बी आई है, ठीक। अब एक अपनी तरफ से हम सपोज करते हैं कि ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये खुद से कंसीडर कर लिया, ठीक है, इतना अपने आप से ले रही है, ये हमने एक स्टेप अपने आप से लिया होगा, ठीक है, ठीक। तो प्रूविंग क्यों करा रहे हैं ये आप अभी समझ जाएंगे, इन सारे एडजॉइंट ऑफ ए की जितनी प्रॉपर्टी हैं, आप जिन प्रॉपर्टीज को आप प्रूव कर रहे हैं, वो प्रूव करने पर आप वो प्रॉपर्टी सारी आपको लगभग आ जाएंगी। जैसे कि आप देखिए, आपको बताया गया था कि ए बी बराबर बी ए होता है या नहीं होता है, बोलो, ए बी बराबर बी ए होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, बोले होता है, होता है, इसलिए आपको आना है, नहीं होता, ठीक है, ये प्रूव कर दिया कि रेगुलर आएंगे तभी आप आएगा, बताइए होता है या नहीं होता, होता है, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ले उठा लो भाई, क्या उठाना, कुछ उठाना है, और उठा लो, अरे आने दो, वीडियो बनता रहे, क्या है, इसको पढ़ना पड़े, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे। ए बी सी, तो अब यहाँ पर तीन मैट्रिक्स हैं, कितने हैं, हाँ मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन कॉन्फॉर्म वाला, मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला था ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे ए बी सी कर सकते, एसोसिएटिव, ये क्या है, हाँ तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव फॉलो करता है। एसोसिएटिविटी मतलब पहले बी और सी का प्रोडक्ट हुआ, फिर उसके बाद ए का हुआ, यहाँ ऑर्डर क्या था, बी सी फिर ए, यहाँ क्या था, ए बी फिर सी, ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पे ध्यान दें, ठीक। तो अब हम लोग करने वाले हैं ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब इसमें हम लोग करने वाले हैं, ठीक, तो इसको इसके साथ ले लिया, ये बाहर रखा, बताइए, ठीक है, हो जाएगा ना इतना। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए आई है, तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, बोलो, मॉड ऑफ बी इंटू आई एन, और ये एडजॉइंट ऑफ ए बाहर रहेगा कि नहीं, बोलिए, एसोसिएटिविटी भी लगा दी थी। अब ये मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, और ये क्या है, तो ये मैट्रिक्स में एक मल्टीप्लाई है नंबर का, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो मॉड बी बाहर आ गया, ए इंटू आई एन हुआ,
और एडजॉइंट ऑफ ए। तो जैसे टू में वन का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, टू। अच्छा ये बोला गया था कि सीधा लिखा करो, लिख देंगे ठीक। टू में कितना वन का, तो कितना आया टू। तो वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, नंबर में वन क्या है, ऐसे ए में आई एन का मल्टीप्लाई किया गया, बी में आई एन का मल्टीप्लाई किया गया, सी में आई एन का मल्टीप्लाई किया गया, तो मैट्रिक्स बी हो जाती है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में चेंज नहीं आता, तो ये क्या आएगा बोलो, कौन सी मैट्रिक्स आएगा, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर और यहाँ पर अंतर है, ये चीज़ और ये चीज़ में अंतर है, ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स ए हो गई, तो ये मैट्रिक्स है, ये डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पे हो गया ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई, क्योंकि नंबर है अलग है, इसका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बोलो भाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टी फिर लग जाएगी ना, तो मॉड बी इंटू, और इसको लिख सकते हैं मॉड ए इंटू, तो डिटरमिनेंट में नंबर है सिंपल, नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, ए बी बराबर बी ए। ठीक है, तो इसको हमने क्या प्रूव कर दिया, इसको इसको मॉड ए इंटू मॉड, बताइए इसको प्रूव किया कि नहीं, बोलो भाई। ठीक, इसको भी हमने क्या, अब इसको हम प्रूव क्या कर सकते हैं बताइए, बोलिए इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी है ना ए बी का मॉड, ठीक है, आई एन अच्छा यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे देखने, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, मॉड ऑफ वी ये बनेगा, ये यहाँ छोड़ दिया ना हमने, यहाँ ले लिया ये चीज़, अभी ये नहीं था, मॉड ऑफ ए आई एन हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, और इसको हम लोग मॉड ए मॉड बी लिख सकते हैं आई एन, और इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी आई एन, वो एक्चुअली हमने यहाँ लिया था तो इसको ध्यान दिया, तो यहाँ पे इसको रब कर दें, बोलिए इसको रब कर दें, मतलब ये चीज़ हम ना लेके ये चीज़ आनी चाहिए थी ना, मॉड ऑफ ए बी आई एन, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई, मॉड ऑफ ए बी आई एन, और ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी का भी क्या है, मॉड ऑफ ए बी आई एन, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है भाई, इस एक्सप्रेशन इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स के बराबर है, और ये मैट्रिक्स भी इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताइए हो जाएगी, ये इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, मतलब ये चीज़ इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो जब बराबर करेंगे तो कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, वही तो मुझे प्रूफ करना था, हुआ प्रूफ कि नहीं। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, मॉड ऑफ ए आई एन, ये प्रॉपर्टी देखी कि नहीं देखी, और देखा हमने डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, अभी हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है थोड़ा गलत हो गया, या एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए या एडजॉइंट ऑफ बी या एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है बोलिए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक, इस बार फिर ध्यान देना, ये वाला
इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, हम बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं प्रूविंग पे। रीजन बताया कि प्रूविंग देखा जाए तो आपको लेंदी लग रही है, मगर हमने बोला कि प्रूविंग में सारी प्रॉपर्टी रिवाइज होती हैं, मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं अगर आप प्रूविंग करते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, सारी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने बोला कि जब भी कोई चीज़ कोई प्रॉपर्टी प्रूव होगी तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, बार बार कहाँ जाना है, कोई परमिशन लेनी हो घर पे तो किसके पास, दादाजी की परमिशन होनी चाहिए ना। पूजा करनी तो किससे परमिशन लेते हैं, दादाजी से, गणेश जी से ठीक है, जो मुखिया है। तो ए इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए आई एन। मैंने बोला बार बार इसको हम रिवाइज कर रहे हैं, बार बार इसको ध्यान देना है। इस प्रॉपर्टी को लिखा, इस प्रॉपर्टी में हमने बोला कि ए की जगह अगर बी रख दें तो क्या हो जाएगा, बोलो, मॉड ऑफ बी इंटू आई एन। हमने बोला मॉड ऑफ बी क्या है, डिटरमिनेंट, और आई एन क्या है, मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, स्केलर। कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी, आइडेंटिटी मतलब डायगनल में 1-1 है, बाकी सब क्या है, 0। और जब आप नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल में के या ए हो जाएगा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लिखी गई है, क्या लिखी गई, और उसके डायगनल में जो है मॉड ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक। बोलिए, अब हम ए की जगह ए की पावर ट्रांसपोज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो अगर प्रॉपर्टी में एक ए रखा है तो मॉड ऑफ ए आए, तो यहाँ क्या आएगा, बोलो, इस प्रॉपर्टी को इसमें लगाते तो क्या आएगा भाई, बताइए, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, पक्का नहीं आ रहा, अच्छा चलिए। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी अगर आता है तो इसको भी नहीं, इसको कर पाएंगे, मॉड ऑफ बी आई एन हो जाएगा। सी अगर होता है तो क्या आ जाता है, और एक ए यहाँ पर, हाँ वही बात है, तो हाँ दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि बी की जगह बी करने पर मॉड ऑफ बी हो रहा है, ए करने पर मॉड ऑफ ए हो रहा है, तो ए ट्रांसपोज का मॉड और आई एन, ठीक है, ए ट्रांसपोज का मॉड इंटू आई। अब एक मॉड का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको बार बार हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स में अगर आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है, क्या हो जाता है, ए मैट्रिक्स है तो उसका ए ट्रांसपोज हो गया। बट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालोगे, दोनों में वैल्यू क्या मिलेगी, समान, ठीक है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग रख सकते हैं ए मॉड ऑफ ए इंटू आई एन अभी भी, ठीक है। बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इतनी बात और ये सारी बातें हमने सब कुछ इस प्रॉपर्टी के लिए बताया, ठीक है। तो जो भी अभी लिखा है इस प्रॉपर्टी के लिए तो लिखा था, तो अब उसको आप ध्यान नहीं देना क्योंकि मेन क्या है, अब वो प्रॉपर्टी लिखी गई। अब एक नई बात हम फिर से लिख रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिया तो इसका मतलब क्या है, बोलिए, मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, बोलिए, ठीक है। तो अब इधर हम जैसे उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, इधर लिख दें, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होने वाला, बताइए, बोलो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बताइए, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, बोलिए। हाँ, तो मन में हमारा ऐसे ख्याल आता है,
ये मन में ख्याल आया तो ये ख्याल क्या है? गलत है। ये ख्याल क्या हो गया? हाँ, अगर ऐसे आया ए बी और सी, इसका क्या आया? ट्रांसपोज। तो एक लॉ होता है रिवर्सल लॉ। क्या होता है? मतलब अभी हम लोग ए बी सी चल रहे हैं और जब ट्रांसपोज करेंगे, हाँ, तो पहले आएगा सी, सी का ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा? बी, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, रिवर्स हो जाएगा। इट इज़ अ रिवर्सल लॉ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर भी हम लोग रिवर्स करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा कि इसका? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बराबर। हाँ बोलो। हाँ, ये तो एक नंबर है, ये क्या है? तो नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आई एन का ट्रांसपोज करेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? मतलब आप विजुलाइज करो कि मैं बताऊंगी उसको, है? नहीं नहीं, मतलब कह दो हो गया, हो गया, हुआ कुछ नहीं भाई। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1। अब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर भी रो बाई कॉलम करोगे तो 1 0 और 0 1, तो वही मिलेगा भाई, वही मिला। मतलब आपको यहाँ पे अभी क्या मिला? ए ट्रांसपोज आई एन ही मिला। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, अब इसको और इसको दोनों को ध्यान दें, तो देखो इसके बराबर भी यही आ गया और इसके बराबर भी यही आ गया कि नहीं आया? बोलिए, दोनों का ये साइड, दोनों का ये साइड मतलब क्या? राइट साइड, राइट साइड बराबर है, दोनों का राइट साइड बराबर है कि नहीं है? तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा कि नहीं? तो लेफ्ट साइड बराबर कर दें ना, करें? हाँ, तो क्या आया यहाँ पर? ये क्या आया यहाँ पे? क्या सीखा हमने? ए का ट्रांसपोज, और क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया उसके बराबर? बोलो, ए का ट्रांसपोज या नहीं? हाँ, ए का ट्रांसपोज क्या आया इसके बराबर? इधर क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज पूरे का और ए ट्रांसपोज, ये आया कि नहीं आया बताइए? ओके, तो अब क्या करें हम लोग? कैंसलेशन लॉ लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए? नहीं कर सकते, बोलो, हाँ है ना? बोलो, इसको इससे कैंसिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बोलो 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 बोलो। मतलब यहाँ पे देखें, सी ए बी, सी ए बी बराबर ए बी, ए बी सी, ठीक, ओके। और ऐसे होता ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या होता? ए सी, ठीक। तो हम लोग ऐसे कैंसिल करके क्या बना एम्प्लाइज करेंगे? बी बराबर सी। बट ये कैसे होता, कैसे? ठीक, कैसे होता है? अगर ये ए मैट्रिक्स है, हाँ, तो दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए? ए इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? ए इनवर्स ए सी। अब हाँ, एसोसिएटिविटी बताई थी कि इसका मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका पहले कर सकते हैं कि नहीं? और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? वन नहीं बेटा, दो भेड़े और चार भेड़े, तो चार क्या? छः क्या? टॉफी यहाँ थी, भेड़े ना, तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स। तो नंबर बनेगा कि मैट्रिक्स? हाँ, तो यहाँ वन का मतलब क्या? आइडेंटिटी। क्या मतलब है? तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और इधर ये भी आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से, अब आइडेंटिटी का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी की मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी का बी से किया तो बी बन गया, आइडेंटिटी का सी से किया तो सी बन गया। तो इसमें देखो कैंसिलेशन लगा, मगर यहाँ आप करोगे तो सी इनवर्स यहाँ करोगे, इसमें देखो करोगे आप
तो सी इनवर्स सी ए बी करेंगे कि नहीं, बोलो। और यहाँ पर सी इनवर्स ए बी सी करेंगे, तो बताइए। अब मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से कूद के यहाँ बैठा था, तो यहाँ पर होगा तो कैंसिलेशन लाओ, यहाँ लग पाएगा नहीं लग पाएगा, ओके। तो अब तो बड़ी समस्या हो गई, मतलब हमें आंसर बिल्कुल दिख रहा है, समस्या क्या है, इसको काट दीजिए। मैंने बताया ये काट सकते नहीं है, ठीक है, और आंसर दिख रहा है कि इसको काट दें तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। तो काटें नहीं काटें, बोलो। हाँ, आपकी इच्छा है तो काट दीजिए, पर गणित ये अलाउ नहीं करती, ठीक, क्योंकि बताया गया कैंसिलेशन लॉ ऐसे लगेगा ऐसे नहीं लगेगा। तो हमने बोला कोई भी चीज़ का यहाँ पर आंसर कौन देगा, दादाजी कौन देंगे। हाँ, तो दादाजी क्या बताते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। बेटा ये भी तो था, उसके बाद फर्दर था मॉड ऑफ ए आई एन। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो ए की पावर ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, बोलो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू क्या ए ट्रांसपोज, कर सकते कि नहीं, बराबर क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आया कि नहीं आया, बोलो। कैंसिलेशन लॉ लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, मगर इसमें ये लॉ लगा सकते कि नहीं लगा सकते, इस लगा से ऐसे आ सकते कि नहीं, तो इधर से इधर गया तो इस लॉ को लगा के गया, ओके। अब यहाँ कैंसिलेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो। अब यहाँ पर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा नहीं कैंसिल, तो अब आ गया कि नहीं। तो जब ये प्रॉपर्टी आप प्रूफ करते हैं तो मैट्रिक्स की ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज, अगर आपने ये प्रॉपर्टीज प्रूफ कर ली तो मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका रियल एप्लीकेशन आप देख लेंगे, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या देखा, कैंसिलेशन लॉ भी आप यहाँ अप्लाई किया कि नहीं किया, बोलो। रिवर्सल लॉ अप्लाई किया कि नहीं किया, ये भी अभी अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर ये सारे लॉ अप्लाई किए कि नहीं, ये भी तो डिटरमिनेंट का लॉ अप्लाई किया सब। अगर आप तीन चार प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करें तो आपने अभी तक डिटरमिनेंट की जितनी प्रॉपर्टीज थी जितनी भी, वो सारी एसोसिएटिव रूल लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, डिटरमिनेंट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ डिटरमिनेंट है या नहीं है, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, सारी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाई वन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलिए। तो अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए पे आधारित सारी प्रॉपर्टी अगर आप रिवाइज करते हैं, जैसे कि आपको मैट्रिक्स पढ़नी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो आप कुछ मत करिए, क्या करिए, एडजॉइंट ऑफ ए खोलिए और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या प्रूव कर लीजिए, मैट्रिक्स की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप ऑटोमेटिक जान जाएंगे। और उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, क्या करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की सारी प्रॉपर्टीज से आप बेसिक फाउंडेशन और मैट्रिक्स का सारा आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कभी भी। तो कभी भी रिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, शुरुआत से करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी करेंगे, इसको प्रूव कर लीजिए, करते नहीं हम लोग कभी, आदत है हमारी, तो आदत क्या करेंगे, बदल डालेंगे नहीं, हाँ बस कैंसिल कर दो, ये सिखा दिया है, उसका इन्वर्स कर देंगे, अरे मतलब ऐसे कर देंगे भाई, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो ये क्या हो गया, आई हो ना, ये ए का ट्रांसपोज भी तो एक मैट्रिक्स है। हमने बोला हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, दो पेन और दो पेन चार हुए हैं, बोलो, समझे कि नहीं, और दो आदमी चार हुए, तो वो चार हुए, चार बराबर हो गए, हाँ, वो क्या बने थे, पेन बने थे, ये क्या बने थे, हाँ, समझे कि नहीं, चार चार हैं तो बराबर नहीं है, आपको ही ध्यान रखना कि कर्ज कह रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि, ठीक है, मैट्रिक्स कहाँ चल रही है, डिटरमिनेंट कहाँ चल रही है, ठीक है, किसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए कन्फ्यूज रहते हैं हम लोग, ठीक। तो देखें सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक बार वन बाई वन, ठीक है, रिकैप कर लेते हैं, ठीक, रिकैप मतलब दोबारा से देख लें या नहीं देखें, मन नहीं है या नहीं है, आप पीछे जाइए आप, चलिए, अच्छा लग रहा है, कम अच्छा लग रहा है, बहुत कम लोग हमसे खुश रहते हैं, ठीक, चलिए आप हैं तो वेरी गुड। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, हाँ,
अपने दादाजी की बात करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और मॉड ऑफ ए आई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के मतलब कोई भी प्रॉपर्टी इसके बिना प्रूफ नहीं होगी। अब ये ऐसी मैट्रिक्स हैं मतलब अगर पूछा जाए कि कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स का एग्जांपल लीजिए, क्या लीजिए अगर आपको दिखाना है, बोला जाए कि ऐसी मैट्रिक्स जो कॉम्यूटेटिव हो, तब आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए उसका एडजॉइंट ऑफ ए ले लीजिए, वो हमेशा कैसी होंगी कॉम्यूटेटिव। समझे कि नहीं? इन जनरल मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। मैं एक बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोई बोले कि आप ऐसी दो मैट्रिक्स बताइए कॉम्यूटेटिव हों, तो आप फट से क्या करेंगे? आप जैसे फट से कैसे करेंगे? सपोज मैं बता दूं या ना बताऊं, बताइए ना बताएं, आपकी इच्छा है या मैं, मेरी इच्छा है। देखिए ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं, ठीक, ए बी इन जनरल बी ए के बराबर नहीं होता। नंबर में ए बी और बी ए बराबर होता है। अब किसी ने दस सेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेंसिबल हैं। उसने बोला कि कोई दो ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो कम्यूटेटिव हों, आपने क्या किया 2, 3, 4, 5 लिया। क्या लिया? अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आपको बताया गया था कि डायगोनल को क्या इंटरचेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए डायगोनल के एंट्रीज को इंटरचेंज करिए 5 और 2 और इनको माइनस कर दीजिए, एडजॉइंट आ गया। अब ये ए हो गई और ये सपोज बी हो गई, जब आप करके देखेंगे ए बी बराबर क्या बी आपको मिल जाएगी, ए बी बी ए करेंगे तो बराबर मिल जाएगी, ठीक कर लिए। तो मैंने बोला ना, तो ज्ञान रखना है या उसको एक्सप्लोर करना है। हाँ, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से अगर कम्यूटेटिव दिखाना है तो आप इजीली दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई मैट्रिक्स उसका कम्यूटेटिव लेकर बना दिखाना है तो आप उसका एडजॉइंट ले लीजिए, और 2x2 की एडजॉइंट निकालना बिल्कुल डायरेक्ट बताया था, बताया था सीधे, क्या बताया था कि अगर ए बी सी डी ले लिया आपने, ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स ली तो उसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए बताया कि डायगोनल एंट्रीज को क्या इंटरचेंज कर दीजिए, डी की जगह ए, ए की जगह और डायगोनल एंट्रीज को निगेटिव कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, क्या कर दीजिए सीधे। तो ये ऐसी दोनों मैट्रिक्स हैं जो हमेशा कम्यूटेटिव होती हैं। क्या होती हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन किसी ऑर्डर में करें, ठीक, ए बी और बी ए करें बराबर है, ठीक। अब पहली प्रॉपर्टी सीखी, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी सीखी दूसरी, तो ये पहली फर्स्ट वन प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब हमने डिटरमिनेंट लिया तो वो मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर माइनस वन होता है, होता है कि नहीं? इस प्रॉपर्टी को हमने सीखा, वहीं से डिटरमिनेंट लिया था और प्रूव कर दिया था, ओके, ठीक। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी? एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये सीखा कि नहीं सीखा? ये प्रूव कर भी कर लिया था। उसके बाद हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्या देखा? ये देखा ना, एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, देखा नहीं देखा बताइए। इसके अलावा कोई देखा अभी तक? इतनी प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 ये प्रॉपर्टी देखी अभी तक कि नहीं देखी? अब इसमें जब हम लोग कर रहे थे तो कितनी प्रॉपर्टी और हमने देख ली वो हम देखते हैं। अब मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई थी वो देखा था हमने, तो हमने देखा कि ए बी और बी ए के बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं, ये देखा हमने। हमने देखा कि ए बी सी, ए बी सी के बराबर, तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है, क्या होता है? एसोसिएटिविटी, ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, देखा कि नहीं देखा? ठीक है, आप इस ऑर्डर में या इस ऑर्डर में करिए हो जाएगा। हमने देखा कि ए बी सी का ट्रांसपोज, क्या देखा? सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल लॉ, क्या देखा? रिवर्सल लॉ भी हमने देखा यहाँ पे, ये होल्ड करता है, ठीक है। आप जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ओके।
जैसे आप यही चीज़ अगर ए बी का इन्वर्स अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ट्रांसपोज और इन्वर्स में, ठीक है, ट्रांसपोज और इन्वर्स जब भी आप मैट्रिक्स का इन्वर्स करते हैं तो वहाँ पर भी वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो ये आप सिमिलर एक ही तरीके से लगा सकते हैं, ठीक, ओके। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ रही कि नहीं? अब हमने देखा कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है, और ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो कैसे पता चलती है कोई नॉन सिंगुलर हो, बताइए बताइए, आप बता दीजिए। हाँ, जीरो हो या ना हो, हो जाए, जीरो हो, नॉन है तो वहाँ नो लगेगा कि, बताइए नॉन है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, तो नो लगेगा कि यस, नो लग जाएगा। जीरो हो या ना हो, अब जीरो क्या, मैट्रिक्स का भी जीरो होती है, जीरो क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू है, तो मतलब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स की मतलब मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अगर मॉड ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, ये बात भी सीख ली। तो ऐसी मैट्रिक्स अगर है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एक प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। आपको हम यहीं पे बता दे रहे हैं, हमने बोला कि मैट्रिक्स बहुत बहुत टफ या बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, मगर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, शार्पली और बहुत ही स्मार्टली और फाइन तरीके से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करना ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था बच्चे के लिए, ठीक है। अगर आप ये यूज़ करना सीख गए तो आपको मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैट्रिक्स की को पढ़ना बहुत आसान है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो मतलब वो हम रिवाइज़ करा रहे हैं, और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं टाइम लगता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, हैं, जिनका एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के होते तो सही लिख देते, बोल सही रहे, ठीक है, हाँ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में आपको ध्यान देना है कि ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या होगा, खूब होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए नॉन जीरो, मतलब सिंगुलर के नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो किस बात पर निर्भर करेगा, सिंगुलर हो कि नॉन सिंगुलर, अगर सिंगुलर दे दी गई तो इन्वर्स निकाल पाएंगे, नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसी होनी चाहिए, अगर उसने बोला कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल रहा है, इसका मतलब क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आंसर हो जाएगा, अब मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो डिटरमिनेंट बताइए, तो बताइए क्या, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, बता इन्वर्स के बारे में रहा और पूछ किसके बारे में रहा, डिटरमिनेंट, तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ कर लेंगे, पढ़ाया मैंने, पढ़ाया तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी भी प्रॉपर्टी हमने देखी कि नहीं देखी, बोलिए, ये सब प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स के ऊपर थी। अब हम लोग डिटरमिनेंट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, तो डिटरमिनेंट में देखा है कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लीजिए और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लीजिए, और इसको हम थोड़ा सा जब डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर हम लोग आप प्रूफ भी कर देंगे, अभी हम लोग याद कर लेते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ये और ये बराबर क्यों होता है, ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं। हमने बोला कि प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब अभी करने के मूड में है या नहीं है, नहीं मूड में अभी भी हैं पर समय सही नहीं है, क्या नहीं है, समय सही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, मेरे मूड पर थोड़ा डिपेंड कर रहा है कि मेरा मूड नहीं है, प्रॉपर टाइम क्या नहीं है, वो प्रॉपर, मैं अब ये याद कर लीजिए आप कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, बराबर। आप किसी मैट्रिक्स का ए बी का डिटरमिनेंट आप लेते हैं तो ए का मॉड और हाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि हमने देखा था कम्यूटेटिव
नहीं होते हैं, ठीक है, बट ये आराम से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, एक प्रॉपर्टी हमने और सीखी थी, के ए का डिटर्मिनेंट, के ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा है, जो आप हम बोल भी रहे हैं प्रॉपर तो अगर कहीं दिखता भी नहीं है तो आप, हाँ, के ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, या डिटर्मिनेंट आप, हाँ बताइए, आप बताइए, आप बता दीजिए, बताइए बताइए जो बता रहे थे, के, हाँ के, हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ है, मॉड ऑफ है, ठीक है, हाँ तो ये 100% गलत है, के इनवर्स वो भी गलत है, के की पावर एन, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऐसे एक्सप्रेशन दोगे खुश हो जाओगे, अब हमारे हाथ में होता तो कर देते, ठीक है, समझ रहे ना, हाँ ठीक, आप इतना आग्रह कर रही हैं तो जरूर कर देते, ठीक, मगर गणित ये अलाउ नहीं करती, समझे कि नहीं, हाँ तो ये देखिए, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, ठीक है, इसका जब हम लगाएंगे क्वेश्चंस तो समझ में आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपर्टी लिख दी, ठीक, 11वीं एक और बताइए भाई, ठीक है, तो जैसे कि 11वीं प्रॉपर्टी और कोई लगाई थी हमने, बताइए इसके अलावा, आए, हाँ ए इंटू आई एन लगा दें, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता, और बताइए, आए, ये, हाँ ये तो प्रॉपर्टी अलग थी, ये जो हमने इनको प्रूव करने के लिए जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ये बता रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या आई इनको यूज़ करने में, आई इनको प्रूव करने में, सारी प्रॉपर्टी आई तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, रिवर्सल लॉ, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, समझे कि नहीं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिविटी, ठीक, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंगुलर, सारी प्रॉपर्टी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या है, सब आ गई, सब आ गई, सारी प्रॉपर्टी, ठीक, तो और यही यही सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में थ्योरेटिकली आता है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको अलग से करना है या एडजॉइंट ऑफ ए करना है, बोलिए, कि किसी को भी नहीं करना है, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता रहा हूँ बेसिक, ठीक, अब एक प्रॉपर्टी हम लोग और देख लें, देख लें या नहीं देख लें, बोलो नौशाद, देख लें कि उसको करें भी, ए डी जी एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट, मतलब ए मैट्रिक्स ली, उसका एडजॉइंट लिया, उसका फिर एडजॉइंट लिया, तो मतलब एक मैट्रिक्स को दो बार एडजॉइंट लिया, तो किसी मैट्रिक्स का एक बार एडजॉइंट लेना, मतलब टाइम टेकिंग या अच्छा लगेगा, बोलो, और फिर उसका एक बार और लेना है, बोलो, इसको प्रूफ करना है, क्या होता है बताइए, कोई बताएगा, बता दो, बता, अरे बता दो, क्या परेशान, आ रहा है, आ रहा है, मॉड ऑफ ए की पावर कितना लिखा, नहीं तुमने लिखा कितना है, हाँ अपने दिल की बात बोलो ना, तुमने क्या लिखा है, तुम बता दो जो तुमने दिल की बात, अपनी बात लिखो, लिखी बोलो, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस टू ए, दिल की बात कभी गलत हो ही नहीं सकती, गणित भी नहीं सही गलत कर सकती, ठीक है, सही, अरे मैंने बोला ना मन से जो काम किया गया वो हमेशा सही होता है, ठीक, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक, चलिए इतना सीख लिया हम, ओके, मतलब ये कह रही हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मतलब मॉड के अंदर एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ठीक है, उसका क्या डिटर्मिनेंट, ओके, ये प्रॉपर्टी पूछ रही है, ये भी होती है वैसा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, इसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये मैं ही कर लूँ, बोलिए, ये बाद में बता दें, जल्दी बोलो, बाद में बता दें या अभी कर दें, बाद में, बोलो बोलो बोलो,
बाद में कब, एक साल बाद बताओ, तुम बताओ, तुम जो बताओगे भाई करेंगे। नहीं नहीं अभी प्रूव कर देना ठीक। अरे अभी सिंपल, अभी हमने देखा था क्या, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं देखा अभी, क्या देखा, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए देखा हमने। बोला कभी भी आप मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर रहे हो तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए डिफरेंस, ये दो पेन और दो पेन चार क्या बनते हैं, पेन, हाँ, और वो तो जान ही रहे क्या बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट, बोलो ये क्या है, ये इतना क्या है डिटरमिनेंट, और ये कितना, ये क्या है, तो मैट्रिक्स में एक वैल्यू का मल्टीप्लाई तो क्या है, हाँ, मगर ये पार्ट वैल्यू है, के है स्केलर, और उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। ये पूरा स्केलर मतलब नंबर, नंबर मतलब वैल्यू, ठीक है, और डिटरमिनेंट मतलब वैल्यू, नहीं समझेगा इस पर, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम यहाँ रखने वाले, इसका ही तो डिटरमिनेंट लिया गया, तो इसका लिया गया तो इसका मतलब इसका लिया गया, तो इसको रखने के बजाय हम यहाँ ये रख दें, ना रखें, रख दें, ठीक। अब के ए का डिटरमिनेंट देखना, ये प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है, के ए का डिटरमिनेंट, तो जय बताइए, के बाहर निकाल देंगे, ए बोलो किसको बाहर निकाल देंगे, बोलो के को कि ए को, बताइए, ठीक ठीक है। एक पिंजड़े में चूहे और शेर बंद हैं, तो आप किसको बाहर निकालेंगे, हाँ समझ गया ना, तो ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट किसका लिया गया, नंबर का कि मैट्रिक्स का, हाँ तो ये नंबर इसके बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा, तो क्या आएगा, के डिटरमिनेंट ऑफ ही, बोलो क्या आएगा, हाँ के की पावर एन आएगा या के आ जाए, हाँ हाँ, तो ये ध्यान रखें के की पावर एन, इस प्रॉपर्टी का देखना कितना स्ट्रांग यूज है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, डिटरमिनेंट, ये क्या है, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, हाँ एक नंबर है, ये क्या है, एज ए नंबर ही तो है, डिटरमिनेंट मतलब नंबर, और ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को बाहर निकालने के कि नंबर को, तो जब नंबर को बाहर निकालते उसका पावर कितना हो जाता है, एन, तो जब इसकी पावर एन होगा तो मतलब इसको माना है हमने, ये तो मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस टू था, उसकी पावर क्या और हो जाएगा, एन और हो जाएगा, और अंदर क्या रहेगा, मॉड ऑफ, तो ये बाहर नहीं निकला, अंदर ही रहेगा, नहीं बताइए, ओके। तो अब इसकी पावर क्या आ गया, मॉड ऑफ ए की पावर एन एन माइनस टू, बोलिए, और मॉड ऑफ ए की पावर वन हो गया, तो पूरी पावर को ऐड करें, मॉड ऑफ ए की पावर एन स्क्वायर माइनस टू एन, और प्लस कितना, वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये कभी कुछ देखा आज तक, कभी गणित में कुछ इसको देखा, नहीं देखा कभी, नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या लिखे, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, बताइए। तो फर्दर अब ऐसे ही आप जो प्रॉपर्टीज़ को लगा के आगे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना, वही क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर ही आगे बढ़ना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक, बोलिए। अब हमें यहाँ पर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसको प्रूफ करना है, क्या करेंगे हम लोग कि ये कैसे आया, करिए जरा एक बार, कि मैट्रिक्स को कंसीडर करें, सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, ठीक, ऐसी तो मैट्रिक्स हम खुद सपोज करें, ठीक है, कि उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो और प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स थे, क्या दे, तो देन ए एंड बी आर इन्वर्टिबल टू ईच अदर, ठीक है, इन्वर्टिबल टू
ईच अदर, ठीक है, ओके। तो मतलब ए का इन्वर्स क्या है अभी यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए क्या है, इज बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्स ऑफ ए, ए इज ए इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ ए इज ए इन्वर्स, तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या लिखेंगे, आई। कभी भी कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स कोई मैट्रिक्स है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आइडेंटिटी बनता है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स, ठीक। अभी पीछे हमने कोई कोई मैट्रिक्स दी थी उसका इन्वर्स निकाला आपने, बताइए देखते हैं कौन सी मैट्रिक्स दी, ए मैट्रिक्स क्या दी थी, 1 1 2 3 2 1 2 3 1, और उसका ए इन्वर्स आपने निकाला था क्या निकला, पहले क्या आया, -1/2, -1/2, -3/2, -5/2, 3/2, अच्छा ये प्लस है माइनस, ठीक। देखिए भी हो जाएगा क्लियर, हाँ अभी देख लेते क्या है परेशान, हाँ अभी देख, -5/2 है और यहाँ, चलो देख लेते कोई समस्या नहीं, आप परेशान हो, इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स, तो अगर इसका ये इन्वर्स है तो उसका मल्टीप्लाई करिए, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए, ऑप्शन में ऐसे दिए रहे होंगे, बोलिए सपोज ये दिया, ये इसका इन्वर्स है तो ऐसे ऑप्शन में दिया गया, ये ए है, ये बी में मान लो ऐसा कर दिया गया, -1/2, 3/2, -1/2, 0/3, -2, 1/2, -5/2, 3/2, ऐसे सी ऑप्शन भी बनाओ, ऐसे डी बनाओ, ठीक है, ऐसे दिए गए हो, तो आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो आप इन्वर्स निकालें या सीधे क्या मल्टीप्लाई करके देखें, क्या करके देखें, मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया, रो बाय कॉलम, हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब 1 0 और 0 1 0 1 0 0 0, मतलब यहाँ क्या बनना चाहिए, 1 नहीं बने तो चेक करेंगे, अब जगह मल्टीप्लाई होगा तो लोग सोचते हैं मल्टीप्लाई पूरा करना पड़ेगा, इतना बड़ा हो जाएगा, तो हम पहले ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर 1 नहीं बना तो उसको छोड़ देंगे, 1 बन गया तो आगे बढ़ेंगे, अब 1 बन गया आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ चेक कर लें, तो ये 0 बन गया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी नहीं, मतलब यहाँ 0 बन गया कहीं भी, एक चेक कर लेंगे हम लोग, देखिए रो का कॉलम से इसका ऐसे मल्टीप्लाई -1/2, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई +0, और इसका ऐसे 3/2, तो इसका ऐड कितना 1 आ रहा है, बोलो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, देखिए आ गया, ठीक। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं इस वाली मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा है, देखिए यहाँ मैट्रिक्स में यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, चेंज हो गया, बाकी सब सेम है, तो बाकी सब सेम रिजल्ट देंगे, और ऑप्शन दोनों हो गए कोई एक होगा, बोलो भाई एक होगा कि दोनों हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसका इसका तो इससे 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 करेंगे, ठीक है, बोलिए, तो यहाँ पे अंतर है तो हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करें इससे, तो यहाँ रखा जाएगा नहीं, यहाँ क्या मिलना चाहिए 0, तो अब देखो इसका इससे किया 3/2 आया, इसका इससे किया 6 आया, इसके इससे किया तो सब पॉजिटिव आया, 0 बनेगा नहीं, तो कौन सा वाला ही गलत है या सही, ये तो पहले ही गलत है, अब ये सही होगा नहीं चेक कर लें एक बार, बोलो, तो इसका इसका इससे हुआ तो कितना 3/2 आया था, इसका इससे हुआ तो +6 आया था,
इसका उससे वो तो माइनस 15/2 आया था, तो कितना आया 12 हो गया ना, जीरो आ गया, ये आंसर सही है। तो इन्वर्स निकालना बहुत टाइम टेकिंग होता है या नहीं है, यहाँ है या नहीं है, टाइम निकाल ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ए इन्वर्स और आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ लगाएंगे, सीधे डायरेक्ट आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लोग सोचते कि ए इन्वर्स आएगा तो इतना बड़ा कौन लगा पाएगा, पहले को फैक्टर निकाला गया, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब पूरी मैट्रिक्स लगा दी गई। मगर करना क्या होगा, हमें आंसर से उसको मैच करा के आइडेंटिटी बना लो। आइडेंटिटी में भी कलाकारी, एक ही दो एंट्री चेक कर लेंगे तो इन्वर्स आएगा तो एग्ज़ाम में लगा पाएंगे, और एक मिनट में लग पाएगा नहीं लग पाएगा कि पहले लगा दोगे, लग जाएगी। चलिए सीख लिया हमने, ठीक है, सीखा नहीं सीखा, हाँ ठीक। तो हम लोग बस प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इतना ही रखे हैं आज, ये तो देख ही लिया था क्वेश्चन, अब प्रूफ कर लेंगे बाद, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको बता दिया, इसको ट्रिक बोल सकते हैं कि आपको इन्वर्स नहीं निकालना, सीधे आपने मल्टीप्लाई किया, तो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे। चल रहा है कि नहीं, बंद हो गया नौशाद, तुम नौशाद कितने बजे आया था, आए थे, हाँ 7:15 आना कितने बजे था, 7 जाना था कि 6:30 बजे आ जाओगे, अच्छा 6:30 बजे में 15 मिनट घटा दो, कितना 6:15, तो कल कितने बजे आओगे तुम, 6 बजे आ जाओगे, अच्छा चलो चलो, तुम जाने नहीं देंगे आज, नहीं रह जाओ, ठीक। तो हमने सीखा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी अगर है तो ए इज इनवर्स ऑफ बी, सीखा कि नहीं, ठीक है। मगर हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना क्या है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो बताइए ये छोटी सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी या नहीं थी, छोटी सी प्रॉपर्टी से क्या सीखा हमने, ट्रिक सीखी, क्या सीख ली, हाँ। तो ट्रिक कहाँ पर छिपी है, अब आप इसको ध्यान ही नहीं देंगे, आप तो इतना बड़ा बड़ा देखोगे ना, ये दिखाओ, ठीक ओके। तो इसने क्वेश्चंस को क्रैक कर दिया, ठीक। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ए बी का डिटरमिनेंट लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ ए बी बराबर आई एन का डिटरमिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता है, बोलो 1 या 0, डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1, ठीक। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा। आप देखिए मॉड ऑफ बी बराबर 1/(mod)a, ठीक है। अगर ये कोई वैल्यू को डिवाइड किया वो 0 हो गई तो पॉसिबल हो पाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है, पहली बात तो, ठीक। आप समझे कि नहीं। अब हम एक दादाजी को लेते हैं तो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, हाँ मॉड ऑफ ए आई एन, ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए आई एन, ठीक। बोलिए इतना हमने पढ़ा ही था, नहीं पढ़ा, अब यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए कर दें, क्या कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, बोलिए यहाँ पे मॉड ऑफ ए अपॉन आई एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो डिवाइड कर दिया इसे, नहीं होगा, तो ये कितना आ गया, आइडेंटिटी आ गया, तो मतलब ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए बराबर आई एन आया, आई एन आया कि नहीं। अब हम लोग कैंसिलेशन ला लगाएं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई यहाँ, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए नीचे डिवाइड किया तो नॉन जीरो मान के चले, डिवाइड तभी कर पाए जब क्या मॉड ऑफ ए को नॉन जीरो माना है, ठीक, समझ रहे ना। अब कैंसिलेशन से क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगा,
कैंसिलेशन से क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, आई एन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए बराबर किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स हो जाएगा कि नहीं। अब ये भी क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स बनेगी ना, तो ए इनवर्स बराबर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मतलब इसको दोबारा लिख दिया हमने इधर, क्योंकि किसी ये मैट्रिक्स ही तो है, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, और यहाँ पर भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। ठीक है, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको हमने इत्मीनान से देखा है, ए इनवर्स के बारे में भी देखा, और ये भी देखा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो सब यहाँ पर यूज़ होती हैं, अगर आप इसको सही से सीख लेते हैं तो आप सारी प्रॉपर्टी को लगा जाएंगे। अब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस में अगर जब आप करते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट की एडजॉइंट ऑफ से रिलेशंस के बीच में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ आएगा ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं इससे। ठीक, अदरवाइज हमने बताया था कि हमने चार या पाँच पार्ट में डिवाइड करके रखा था, एक सेक्शन ये था, फिर हमने सिस्टम और लीनियर इक्वेशन लिया था, फिर रैंक, फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो आपको इन्हीं सेक्शन पे रखना है, एक ये वाला सेक्शन, फिर आगे क्या सिस्टम और लीनियर इक्वेशन वो भी एक इंपॉर्टेंट है, फिर रैंक मेथड, फिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, इतना ही अब ऐसा रिवाइज करना है। ठीक।